हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग के लिए जो मुहिम चला रही है उसकी, और साथ में बात करेंगे वर्ग 3 की कि आपकी अब आगामी जो एग्जाम डेट होती है वो क्या हो सकती है, जिससे कि आप लगातार पढ़ाई जारी रख सकें दोस्तों, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। जिनकी तैयारी अभी तक बेहतर नहीं थी, उनके पास अब एक्स्ट्रा समय मिल चुका है। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग को लेकर। आज सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों, हर संडे को चलाया जाता है, और जिसमें आपकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, यानी कि मांग ये करनी है कि उपचुनाव से पहले ज्वाइनिंग हो। तो उसके लिए सोशल मीडिया पर आपको ट्वीट और रीट्वीट करनी है। मेरे जो ट्विटर अकाउंट है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में जिनकी पद कम है दोस्तों, उनके लिए भी मांग की जा रही है, क्योंकि बहुत से भाई बहन इस चक्कर में बाहर हो गए हैं कि उनकी पोस्टें ही नहीं है। बात करें हम वर्ग 2 की खासकर, तो उर्दू की पोस्टें देख लें, बहुत कम है, 18 पोस्ट है। साइंस जैसे सब्जेक्ट की पोस्टें 50 हैं दोस्तों। सोशल साइंस, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हुए थे, पोस्टें आई 60। हिंदी की पोस्टें, जो कि कहा जाता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी राष्ट्र है, उसमें हिंदी की पोस्टें 100 आती हैं। संस्कृत, जो कि हमारी प्राचीनतम भाषा है दोस्तों, उसकी भी पोस्टें देखें 700। फिर मैथमेटिक्स को ले लें, और फिर इंग्लिश है उससे ऊपर, लेकिन टोटल पोस्टें वर्ग 2 में 5670 है, उससे कहीं ज्यादा पोस्टें खाली हैं, तो उन्हें भी जोड़ी जाए। तो इसी लेकर सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठाई जाती है। सबसे पहले दोस्तों, एक ही आपको फोकस करना है कि आपकी जो ज्वाइनिंग हो, वेरिफिकेशन हो दोस्तों, वो आपके उपचुनाव से पहले हो जाए, ठीक है दोस्तों? तो इसे आप बिल्कुल सीरियसली लें। जितनी भी मुहिम चलाई जाए जमीनी स्तर पर, सोशल मीडिया पर, आपको हिस्सा लेना ही लेना है, ये आपका कर्तव्य है दोस्तों, और आपके लिए ही किया जा रहा है। साथ में दोस्तों, बात करें अब वर्ग 3 की हम, तो वर्ग 3 वालों से मैं ये कहूंगा दोस्तों कि एक तो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। पहले आपकी जो डेट थी 26 सितंबर है, अब डेट चूंकि आगे बढ़ा दी गई है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी अब समय है उसका यूज सही से करना है। बहुत से लोग ये कहेंगे और हमेशा कहते रहेंगे कि आपके एग्जाम इस डेट को नहीं होंगे, उस डेट को नहीं होंगे, क्योंकि इससे उन्हें लाभ मिलना है दोस्तों। कोई भी ये आपको नहीं बताएगा कि आपके डे एग्जाम किस डेट को होने, ये कोई कंफर्म नहीं करेगा, लेकिन पीए भी जो भी कंफर्म करेगी आपको, जैसे 26 सितंबर उनका कंफर्म था कि इस डेट में आपके एग्जाम होने हैं, तो लोग क्या कहते रहे, 26 सितंबर को आपके एग्जाम नहीं होने, पढ़ाई मत करो, ठीक है? तो उनका एक ही मकसद था कि आपको पढ़ाई से दूर कर दिया जाए, जिससे कि यदि 26 सितंबर को बाई चांस एग्जाम होती है तो सबसे बड़ा नुकसान आपका हो जाता, जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों का हुआ था। और जो ऐसा कह रहे थे वो सिर्फ एक ही काम करते, अपने जो कमेंट है उसको डिसेबल कर देते, आप कमेंट ही नहीं कर सकते थे, और अपने जो लाइक या डिसलाइक है उसको भी डिसेबल कर देते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, आपके 25 अप्रैल को एग्जाम होने थे, उससे पहले एक फर्जी आदेश वायरल किया गया पीएबी की तरफ से, और उस पर काफी वीडियो बने दोस्तों, और उनका मकसद था व्यू कमाना, और उसके बाद उनके जो कमेंट बॉक्स थे, जो लाइक डिसलाइक थे, वो डिसेबल कर दिए गए, तो आप उस पर कुछ भी नहीं लिख सकते थे। और बाद में उन्होंने यहां तक की बात कही कि यदि हमारा फर्जी आदेश पीएबी ने गलत बताया है तो हम इसके लिए कोर्ट में जाएंगे। अब इससे बड़ा आप क्या कह सकते हो ऐसे लोगों को, क्योंकि आप, अब मेरे पास तो वर्ड भी नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि कमेंट डिसेबल कर देंगे, या फिर लाइक डिसलाइक छुपा देंगे, और अपने जो बात है उससे स्वयं ही मुकर जाएंगे। जबकि जो जनुअल चैनल है, 26 सितंबर डेट थी, आपको मोटिवेटेड करते रहे कि किसी भी भूल में मत रहना, यदि 26 सितंबर को एग्जाम शुरू हो जाती है नुकसान सिर्फ आपका होगा, क्योंकि जो भी ये बात कह रहे हैं वो बहुत से बहुत वीडियो लाना बंद कर देते, उनका और कुछ भी नहीं जाना था। तो आगामी जो भी डेट होगी, डेट मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपके 23 अक्टूबर तक की डेट कैंसिल की गई है दोस्तों, ठीक है? तो 23 अक्टूबर तक तो ये एग्जाम होने नहीं है। अब इसके बाद यदि डेट जारी की जाती है तो 1 महीने पहले, यानी कि 20 दिन पहले आपकी डेट जारी की जाएगी दोस्तों। तो वहां पर क्या आ जाता है आपका नवंबर। अब मान लो कि 1 नवंबर या 2 नवंबर से भी ये डेट डिक्लियर करेंगे दोस्तों, तो ये मान लें कि आप नवंबर के लास्ट में पहुंच जाएंगे, जब आपके एग्जाम की संभावना बनेगी, या फिर दिसंबर में बनेगी। और पीए भी यदि और कुछ सोच के चल रहा है कि भैया एनआरए जो है मध्य प्रदेश में पहला राज्य बनने जा रहा है जो उसको लागू कर रहा है ना, तो अब उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या फिर नई शिक्षा नीति के तहत है, और बहुत से लोग ये भी चक्कर में है कि एग्जाम जो है वो आगे बढ़ते रहे, कभी हो नहीं,
तो ऐसे भी एक लोगों का दल खड़ा हो चुका है जो यही प्रयास कर रहा है कि जो एग्जाम है वो निरंतर आगे ही बढ़ते रहे। तो क्या एग्जाम आगे बढ़ते रहेंगे उससे आपको कोई लाभ है क्या दोस्तों? क्योंकि एग्जाम यदि समय पे होते हैं तो रिजल्ट के लिए आप मांग कर सकते हो, फिर रिजल्ट यदि डिक्लियर हो जाता है, आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो आप ज्वाइनिंग के लिए मांग कर सकते हो। अब दो चीजें तो आप छोड़ ही दो ना, तो आप ज्वाइनिंग के लिए मांग कर सकते हैं वर्ग 3 वाले, ना रिजल्ट के लिए मांग कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो उनके एग्जाम ही नहीं हो रहे अभी तक तो। और आगे जो भी डेट आएगी उसमें भी बहुत से लोग ये विरोध करना शुरू कर देंगे कि जो डेट है वो भी फिर से आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि अभी तो ये आप मान सकते हो दोस्तों कि कोरोना वायरस का खतरा था, जो कि पीएबी ने दिया है, दैनिक भास्कर में कल आया कि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से बढ़ाए गए, हालांकि बहुत सारे एग्जाम हो गए थे, लेकिन वहां पर उन लोगों को लाभ मिल गया जिनके पढ़ाई अच्छी नहीं थी दोस्तों, उन्हें वहां पर मौका मिल गया कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ये तो हो गया फेयर काम। लेकिन अब जो आगामी डेट आएगी सेम सिचुएशन उसमें होगी, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि इस जो डेट आपको बताई गई उसमें एग्जाम नहीं होना है। मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि आप ये बताते हो कि इस डेट को एग्जाम नहीं होना, उस डेट को एग्जाम नहीं होना, इससे बढ़िया भविष्यवाणी ये कर दो कि किस डेट को एग्जाम होना है ना? ये तो हर कोई बता देगा कि 1 साल एग्जाम नहीं होना, 2 साल नहीं होना, 3 साल नहीं होना। आप तो ये बता दो कि इस महीने की इस तारीख को एग्जाम होगा। यदि आप में भविष्यवाणी करने का दम है, चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं कि आप ये कह दो कि इस महीने की इस तारीख को आपका वर्ग 3 का 100% एग्जाम होगा, और यदि एग्जाम नहीं हुआ तो हम अपना चैनल डिलीट कर देंगे। तो वो हिम्मत होगी नहीं। कि जितनी भी बड़े चैनल है, जेन्युइन चैनल है, जो आपके साथ तब भी खड़े थे जब आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, और अब भी खड़े हैं जब आपकी एग्जाम डेट जारी करानी है, हो सके तो इसके लिए सब प्रयास करें कि वर्ग 3 की पोस्टें डिक्लियर हो जाएं। यदि वर्ग 3 की पोस्टें डिक्लियर नहीं हुई दोस्तों, तो वहां पे भी एक मन में संशय रहेगा, पता नहीं कितनी पोस्टों पर भर्ती होगी। क्योंकि न्यूज़पेपर तो कभी कहता है 10,000 पोस्टें आएंगी, कभी कहता है 15,000 आएंगी, कभी कहता है 17,000 आएंगी, कभी 10,000 से नीचे भी बता देता है। तो ऑफिशियली लेटर तो जारी हो कि आपकी कितनी पोस्टों पर भर्ती की जा रही है वर्ग 3 में। तो उसके लिए सभी जो जनरल चैनल है प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और आपको अब ये प्रयास करना है कि आपकी जो एग्जाम डेट हो वो वर्ग 3 की जल्दी से जल्द डिक्लियर हो जाए और उस पर आपके एग्जाम शुरू हो जाए। तो ये आप प्रयास करना है। यदि आपने ये प्रयास करना शुरू कर दिया कि एग्जाम डेट जब भी डिसाइड हुई, हमें तो यही विरोध करना है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ाते चलो, तो पीएबी का कुछ नहीं जा रहा, वो आगे ही बढ़ाती चलेगी। आगे नई शिक्षा नीति आपका इंतजार कर रही है, जिसमें कि डेमो क्लास से लेकर आपका इंटरव्यू का भी प्रावधान की संभावना है दोस्तों। तो आप स्वयं जानते हैं कि फिर आपके भर्ती का क्या होगा। या तो वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है वो संघर्ष कर रहे हैं। तो समझे इस बात को दोस्तों, ये वर्ग 3 में यदि फॉर्म फिल किया है तो उसे सीरियसली ले लो, उसकी तैयारी सीरियसली कर लो। क्योंकि यदि आपकी जॉब लगती है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। आपकी जॉब लगती है, मुझे खुशी होगी कि एक बंदा जो है अपनी फैमिली के काम आया, उससे फैमिली का सपोर्ट कर रहा है। तो ये समझे दोस्तों इस बात को, किसी की बहकावे में ना आए। क्योंकि अब जो डेट डिसाइड होगी दोस्तों, उसमें भी सेम वीडियो बनेंगे, और आप पढ़ के देख लेना उस डेट तक। जैसे 26 सितंबर तक आपको पढ़ने नहीं दिया ना, आप जो भी डेट्स आएगी ना उस तक पढ़ के देख लेना। लेकिन जो सीरियस हैं, जिनकी तैयारी 26 सितंबर को भी थी, उससे पहले 25 अप्रैल को भी थी, और आगे जो डेट आएगी वहां भी उनकी तैयारी 100% होगी, दोस्तों आपके दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने माता पिता की जो मेहनत है, जो खून पसीने की कमाई है, उसकी वैल्यू जानी है। और जो लोग ऐसे गुमराह हो रहे हैं ना कि इसी में लगे हुए हैं, ये चैनल ने ये कहा, उस चैनल ने वो कहा, भैया चैनल्स वालों को छोड़ दो, अपने कैरियर पर ध्यान दो, आपका कैरियर बन जाएगा ना तो वो आपके काम आएगा। चैनल्स वाले का कुछ नहीं है। यदि एक वीडियो गलत निकल गया, जैसे कि मान लो कि आपका फर्जी आदेश पर बना दिए 2-3 वीडियो, और उस पर कमेंट डिसेबल कर दी, लाइक डिसलाइक डिसेबल कर दी, आप उनका कुछ बिगाड़ हुई भी नहीं। यदि उनके नोट्स में से कुछ नहीं फंसा तो वो आपको चवन्नी वापस नहीं देने वाले। तो इस बात को समझें। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले जो भी मुहिम चलाई जा रही है, प्लीज सपोर्ट जारी रखें दोस्तों, क्योंकि उपचुनाव से पहले कुछ ना कुछ आपको अपडेट लेना ही है। और जो है आपका रिजर्वेशन के ऊपर चल रही है सुनवाई, उसका भी कुछ ना कुछ अपडेट इस महीने में आ ही जाएगा। और वर्ग 3 वाले पोस्ट डिक्लेयर कराने के लिए मुहिम को सपोर्ट करें, जल्द से जल्द आपकी जो एग्जाम डेट है वो डिसाइड हो जाए,
उसके लिए प्रयास करें दोस्तों, सोशल मीडिया अभियान को चलाएं। और बहुत जल्दी मैं भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करने वाला हूं, उसकी भी जानकारी मैं वर्ग 3 वालों को दे दूंगा। आज वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है, तो प्लीज उसको सपोर्ट करें। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।